यूं तो इतिहास गवाह रहा है कि अमेरिका हर देश के आंतरिक मामलों में बोलता रहा और भारत के साथ भी वो ऐसा ही करता रहा, लेकिन अमेरिका को अब ये समझ लेना चाहिए कि अब समय बदल चुका है। अब भारत वो भारत नहीं रहा जो कभी सालों पहले हुआ करता था। नमस्कार, मैं हूँ गायत्री और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। दोस्तों, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अमेरिका और भारत के राजनयिक रिश्तों में तनातनी बढ़ती दिख रही है। सीएए के बाद अब अमेरिका ने केजरीवाल और कांग्रेस के फ्रीज हुए बैंक खातों का मुद्दा उठाया है। वहीं भारत ने अमेरिका के इन बयानों पर करारा जवाब दिया है और राजनयिक को तलब कर अपनी आपत्ति जताई है। इस बीच भारत ने इन बयानों पर कड़ी आपत्ति जताते हुए साफ कह दिया है कि अमेरिका को दूसरों की संप्रभुता का सामना करना होगा। इस बढ़ी हुई तनातनी के बीच कई विशेषज्ञों ने अमेरिका को फटकार लगाई है और कहा है कि वो यूक्रेन युद्ध के समय दी गई धमकी वाली गलती को फिर से दोहरा रहे हैं। दरअसल साल 2022 में अमेरिका ने भारत को धमकी दी थी कि अगर भारत ने यूक्रेन युद्ध में उनका पक्ष नहीं लिया तो भारत को उसकी कीमत और परिणाम चुकाने होंगे। आपको बता दें कि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका ने भारत को कई बार धमकी दी कि वे रूस का साथ छोड़ दे, उसके साथ रिश्ता तोड़ दे, लेकिन भारत ने अपनी नीति को अपनाया क्योंकि ये 2024 वाला भारत है और ये भारत अच्छे से जानता है। खैर, इसके जवाब में भारत ने अमेरिका को जमकर सुनाया था और रूस के साथ रिश्ते और मजबूत कर लिए थे, जिसके बाद भारत और रूस के बीच रिकॉर्ड व्यापार हुआ है और ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। फिलहाल कैसे शुरू हुआ ये विवाद? अमेरिका और भारत के बीच ताजा विवाद सीएए को लेकर शुरू हुआ है जो अब कांग्रेस के फ्रीज खातों तक पहुंच गया है। अमेरिका ने केजरीवाल मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। अमेरिका ने कहा है कि केजरीवाल के मामले की करीबी निगरानी जारी रखेगा। अमेरिका ने यह भी कहा है कि वे कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज करने के आरोप से अवगत है। इससे उन्हें आने वाले समय में लोकसभा चुनाव प्रचार करना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा, यानी कांग्रेस को चुनाव में काफी दिक्कतें होंगी। फिलहाल जब केजरीवाल को लेकर अमेरिका की तरफ से टिप्पणी की गई, तब भारत ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर दी गई टिप्पणी पर विरोध दर्ज करने के लिए अमेरिकी राजनयिक को तलब किया था, जिसके बाद अमेरिका ने कहा कि वह निष्पक्ष जांच और कानूनी प्रक्रियाओं को सबसे ऊपर मानता है। हमें नहीं लगता कि किसी को इस पर आपत्ति होनी चाहिए। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा, हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सहित इन कार्यवाहियों पर बारीकी से नजर रखना जारी रखेंगे। मिलर ने यह भी कहा, हम कांग्रेस पार्टी के आरोपों से भी अवगत हैं कि उनके कुछ बैंक खातों को किस तरह से फ्रीज कर दिया गया है कि आगामी चुनावों में उनके लिए प्रचार करना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। और जैसे ही अमेरिका की तरफ से ये बात सामने आई, भारत ने कड़ी आपत्ति जताई। जाहिर सी बात है, ये टिप्पणी किसी भी संप्रभु देश को नागवार गुजरेगी। अमेरिका होता कौन है किसी देश की न्यायिक प्रक्रिया पर नजर रखने वाला? दरअसल हमारे यहाँ एक कहावत है, सूप बोले तो बोले, चलनी भी बोले, जिसमें 72 छेद है, यानी कि सूप तो आवाज करेगा तो क्या चलनी भी आवाज करेगी जो छेदों से पटी पड़ी है? यही हाल अमेरिका की जो बाइडेन सरकार का है। लगता है भारत और भारतीयों के हर कदम पर आलोचना करना अमेरिकी सरकार अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानने लगी है। हालांकि अमेरिका खुद अपने गिरेबान में कभी झांक कर नहीं देखता, क्योंकि हाल ही में 3 महीनों में 10 भारतीय छात्रों की हत्या हो चुकी है, लेकिन अमेरिका ने इन हत्याओं पर कभी कोई सख्त टिप्पणी नहीं की। लेकिन हाँ, भारत के आंतरिक मामलों में टिप्पणी करना वो अपना अधिकार समझता है। यानी ये कहा जा सकता है कि एक तरफ से ही अमेरिका दादागिरी कर रहा है। और अब हम इसकी असली वजह भी आपको बताते हैं। दरअसल बाइडेन प्रशासन इस बात से बौखलाया हुआ है कि भारत रूस से ना तो दोस्ती खत्म कर रहा है और ना ही यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की निंदा कर रहा है। अभी पुतिन जब 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बने तो भारत ने आगे बढ़कर पुतिन का स्वागत किया। भारत का सदैव से मानना रहा है कि रूस उसका सबसे भरोसेमंद दोस्त है, इसलिए भले रूस चीन से भी गलबैया करे, लेकिन भारत इन सब की अनदेखी करता है। एक वजह यह भी है कि बाइडेन को निजी तौर पर भारत से खुन्नस है, क्योंकि अमेरिका में जल्द चुनाव होने वाले हैं। बाइडेन को पता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप से दोस्ती निभा सकते हैं। इंडियन डायस्पोरा अमेरिका में बहुत ताकतवर है, पैसे के मामले में भी और राजनीतिक ताकत में भी। भारतीय लोग वहां एक तरफा वोटिंग करते हैं, इसलिए भी अमेरिका भारत को लेकर ऐसे बयान दे रहा है। खैर, अमेरिका की दिक्कत यह है कि वो भारत को छोड़ना भी नहीं चाहता और इसे छोड़ने से भी बाज नहीं आ रहा है, क्योंकि अमेरिका का भारत को छोड़ देने का मतलब है महाबली चीन को छुट्टा खेल कर देना।
आज चीन जिस तरह अमेरिका से होड़ ले रहा है वो संकेत है कि एशिया के देशों में अमेरिकी दादागिरी अब नहीं चल पाएगी। ऐसे में अपने एकमात्र सहयोगी देश भारत को छोड़ना अमेरिका के लिए सिरदर्द बन सकता है। आबादी में भी भारत चीन को टक्कर दे रहा है। ये बढ़ती आबादी ही आज किसी देश की जीडीपी को ऊपर चढ़ाती है। इस मामले में भारत चीन से आगे है। दरअसल पूरे विश्व में जैसे जैसे चीनी लोग पहुंच रहे हैं उसी संख्या में भारतीय भी, क्योंकि ये कहा जाता है कि कंपटीशन और राजनीतिक इच्छा शक्ति में भारतीय लोग चीनियों से कई आगे हैं। इसलिए अमेरिका, कनाडा, यूके में भारतीय आज शिखर पर है। भारतीयों का ये दबाव ही आज नरेंद्र मोदी की शक्ति बन गया है। इसलिए अमेरिका हो या कोई और देश, अगर वो भारत के खिलाफ कोई भी बयान देता है तो इसी तरह का जवाब पाता है जैसे इस बार भारत ने दिया है। और अगर भारत के आंतरिक मामलों में कोई भी देश दखल देने की कोशिश करेगा तो भारत हमेशा उसका करारा जवाब देगा।